अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हालात और गंभीर हो गए हैं। यहाँ के नागरिकों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। खाना और पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। पैसों की कमी होने के कारण लोग दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे। भुखमरी से बचने के लिए लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के एक पार्क चमन ए हुजूरी की तरफ जाने वाली सड़क पर कालीन, फ्रिज, टेलीविजन, सोफा समेत घर के कई सामान रखे हुए हैं। लोग अपने परिवार के लिए राशन पानी का इंतजाम करने के लिए अपने अपने घरों से सामान लेकर उसे बेचने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। हालांकि इनको खरीदार ही नहीं मिल रहे। खरीद करने वालों की हालत बेचने वालों जैसी ही है। एक दुकानदार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि 1 लाख का अफगानी घरेलू सामान सिर्फ 20,000 अफगानी में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सामान आधे से भी कम दाम पर बेचा है। 25,000 में खरीदा हुआ फ्रिज 5,000 रुपए में बेचना पड़ रहा है। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसे बेचकर कम से कम मेरे बच्चे रात का खाना खा पाएंगे। अपना सामान बेचने वाले लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो तालिबानी शासन में जीने के लिए सामान बेच रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए पैसा जुटा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग महंगे से महंगा सामान भी कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें वेतन नहीं मिलने की वजह से वो पिछले 10 दिनों से बाजार में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके पास नौकरी नहीं है और वो क्या करें। वहीं एक काबुल निवासी ने बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मेरे बेटे ने जियोलॉजी में बैचलर्स डिग्री ली है। हम दोनों बेरोजगार हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं और हम अपने घर का सामान बेचने आए हैं। हमें परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसे की जरूरत है, जबकि तालिबान के कब्जे के बाद से महंगाई और बढ़ गई है। महंगाई का आलम यह है कि पानी की एक बोतल $40 यानी कि करीब 3,000 रुपए और एक प्लेट चावल के लिए $100 यानी कि करीब 7,500 रुपए देने पड़ रहे हैं। तालिबान सरकार का गठन हो गया है, लेकिन सरकार आम नागरिकों की सुविधा पर ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।